हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 1.60 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अभी स्टॉक करंट लेवल पर 64.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल बना 59 रुपीज पर। देखें तो स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक ने एक हाई बनाया था 65 रुपीज पे और स्टॉक ने डिटेस्ट किया 59 रुपीज के प्राइस को और यहां पर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल बना के वन वे रैली बनती हुई नजर आई, जहां पर स्टॉक ने 82 रुपीज का हाई बनाया ऊपरी लेवल पर। अब इस स्टॉक में फिर से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने 60 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया और यहां से स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर स्टॉक 71 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 60 रुपीज, अगर स्टॉक 60 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो इस स्टॉक में और बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक 60 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक में एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।